प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुसार शहरों में डग्गेमार वाहनों की शामत आ चुकी है। इन डग्गेमार वाहनों से आए दिन घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन वाहनों में सफर करने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आखिर देखा गया है कि रोडवेज बस स्टैंड के समीप डग्गेमार वाहनों की कतारें लगी रहती हैं, जिससे यातायात व्यवस्था तो बिगड़ती थी लेकिन रोडवेज विभाग के राजस्व की हानि होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए रोडवेज विभाग के द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड के आसपास से सभी डग्गेमार वाहनों को हटाया जा रहा है। अब रात्रि के समय में भी डग्गेमार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अक्सर देखा गया है कि डग्गेमार वाहन दिन में तो निकलते नहीं, लेकिन रात्रि के समय बस स्टैंड के आसपास या चौराहे पर खड़े रहते हैं और यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हैं। इसी क्रम में रात्रि में भी रोडवेज विभाग एवं एआरटीओ विभाग एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा डग्गेमार वाहनों पर कार्रवाई करते हुए गोवर्धन चौराहा, नया बस स्टैंड, मंडी चौराहा, पुराना बस स्टैंड एवं अन्य स्थानों पर अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्टेशन अधीक्षक संतोष अग्रवाल ने बताया है कि रोडवेज बस स्टैंड के समीप विभिन्न चौराहे पर डग्गेमार वाहनों के खिलाफ दिन में तो कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, लेकिन यह अभियान अब रात्रि के समय भी चलाया जाएगा। At Chandanvan, actually trained students to be not only vocationally and technically skilled, but with best human qualities of loyalty, sincerity, decision making, creativity, which is the most in demand today. Chandanvan, our school is full of fun. Ghar jaane ko nahi hai, man lage pyara Chandanvan. Hey. यह अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए दिन में तो करीब पूरी खत्म करा दी गई है सब जगह की, और रात्रि में भी कुछ ऐसी हैं जो संभावना समझ में आया है कि रात्रि में कुछ वाहनें आ जाती हैं, तो आज से रात्रि में भी वाहनों को बंद कराया जाएगा। अधिकतर देखा गया है बस स्टैंड के आसपास में जो है रात के 8 बजे बाद झमाला रहता है, उसके खिलाफ कब से कार्रवाई शुरू होगी? आज से चालू हो जाएगी। अभी तक तो दिन में तो हमने चक्कर लगाते रहते हैं, शाम को 7-8 बजे तक तो कोई भी वाहन नहीं रहती है। अगर रात की ऐसी बात है तो उनको आज की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। नई बस स्टैंड, गोवर्धन बस स्टैंड, गोवर्धन त्राया, पुराना बस स्टैंड, तो रात्रि में भी कोई डग्गेमार वाहन दिखाई नहीं देंगे रोड पर? हाँ बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। तो इसमें कौन कौन सम्मिलित है इस अभियान के दौरान? शासन के सहयोग से और निगम कर्मचारी सब सहयोग करके उनको हटवाएंगे सबको। पुलिस प्रशासन भी सहयोग करेगा? हाँ बिल्कुल, तुरंत कार्रवाई की जाएगी, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री के आदेश है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।